नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, जिस अपडेट का आप सभी लोगों को दो दिन से इंतज़ार था, अब और इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की नई गाइडलाइंस अब आ चुकी हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। कुछ लोगों के लिए ये नई गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, वहीं कुछ लोगों को अभी और इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो में कुछ बड़ी हाइलाइट्स भी हैं, जैसे नंबर वन कोविड कर्फ्यू की जानकारी, नंबर टू चार धाम यात्रा की जानकारी, नंबर तीन क्या उत्तराखंड आने के लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत होगी, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, नंबर चार कांवड़ यात्रा की अपडेट, जिसका आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार है। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि सभी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी पाना चाहते हैं और अच्छे स्थानों की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 15 जून सुबह 6 बजे तक था, जिसे एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब कोविड कर्फ्यू 22 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्केट पहले की तरह हफ्ते में 3 दिन खुलेंगी। केवल मिठाई की दुकानों को सप्ताह में 5 दिन खोलने की छूट मिली है। नई एसओपी में टेम्पो और विक्रम संचालकों को भी राहत दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चार धाम यात्रा के बारे में, जिसका बहुत सारे लोगों को और बहुत दिनों से इंतजार है कि उनको कब मौका मिले और वो चार धाम यात्रा पर पहुँचें। चार धाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आई है। चार धाम यात्रा में जाने के लिए उत्तराखंड के 3 जिलों को छूट दी गई है और इन 3 जिलों के लोग अपने ज़िले में स्थित धाम पर ही जा सकेंगे। इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, ताकि आपको भी ये क्लियर हो सके। जैसे कि चमोली ज़िले में है बद्रीनाथ धाम, तो चमोली ज़िले के जो लोग हैं वो सिर्फ बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। उसी तरह रुद्रप्रयाग ज़िले के लोग केदारनाथ धाम और उत्तरकाशी ज़िले के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, इन लोगों को भी दर्शन से पहले कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उत्तराखंड के बाकी ज़िलों और दूसरे स्टेट के लोगों को अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है, और ये काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि सब कुछ सही रहा तो बाकी लोगों को भी जल्द इसकी परमिशन मिल जाएगी, वो भी चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हरिद्वार उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आना चाहते हैं, या आप हरिद्वार और ऋषिकेश का प्लान बना रहे हैं और चाहते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश में कुछ दिन बिताया जाए, तो आपको कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आना होगा, तभी आप आसानी से आ सकेंगे। उसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड के लोग अगर पर्वतीय ज़िलों में जाना चाहते हैं, तो उनको भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। गढ़वाल और कुमायूं के बीच की यात्रा के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। वहीं आज से पहाड़ों में निजी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। हर यात्रा के बाद बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा की, तो मैं आपको बता दूं, अभी भी हरिद्वार में होने वाली सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। हो सकता है अभी आपको 8-10 दिन और इंतज़ार करना हो। जैसे ही सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दूँ। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ और भी लोगों को इन नई गाइडलाइन की जानकारी मिल सके। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।